मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जो सुना वो डराने वाला है, चिंता पैदा करने वाला है और एक लोकतंत्र पसंद नागरिक के लिए परेशान करने वाला है। मैंने राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बार बार सुना है, लेकिन गोली मारने वाली बात हर बार कहीं अटक जाती है, क्योंकि राहुल कभी भी अतिरेक में नहीं जाते। वो नरेंद्र मोदी की तरह हिस्टीरिया पैदा करने की कोशिश नहीं करते, ना ही किसी एक बात को पकड़कर झूठे तर्कों के आधार पर सहानुभूति हासिल करने का फरेब रचते हैं। फिर उनकी जुबान से ये कैसे निकला कि उन्हें गोली मारी जा सकती है? मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। कायदे से इस पर सुरक्षा एजेंसियों को परेशान हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फिलहाल कंगना रनौत, सुधीर चौधरी और कपिल मिश्रा जैसों की हिफाजत को लेकर ज्यादा चिंतित है। और गृह मंत्रालय को क्यों फिक्र होगी राहुल गांधी की सुरक्षा की? लेकिन सवाल तो है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा उन्हें गोली मारी जा सकती है? क्या उन्हें अपने पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी की तरह खटका हो रहा है कि जिन हालात में वो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं उसकी परिणति उनकी शहादत हो सकती है? मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा धर्म है। क्या यही धर्म सोनिया गांधी के बेटे के लिए काल बन सकता है? क्योंकि ये बात तो सच है कि राहुल इस देश के इकलौते राष्ट्रीय नेता हैं जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर उंगली उठा रहे हैं, उनकी नीतियों का मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें चंद पूंजीपतियों का यार बता रहे हैं। जिन पत्रकारों पर वो फिदा हैं उनकी करतूतों को गद्दार बता रहे हैं। वो खुलकर अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं, इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। उनके हाथ में भारतीय लोकतंत्र को गिरवी रख देने का इल्जाम कोई साधारण इल्जाम नहीं है। इस दौर में इस तरह बोलने के लिए ताकत होनी चाहिए और इसके अपने जोखिम हैं। लेकिन क्या यह इतना खतरनाक हो चुका है कि राहुल गांधी को लगने लगा है कि उन्हें गोली मारी जा सकती है? मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी और उनके संगी साथी नेहरू से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक को अपनी हर नाकामी और नासमझी के लिए कोसते फिरते हैं, सोनिया और राहुल तक को भ्रष्ट बताते हैं, लेकिन 7 साल में उनके खिलाफ एक रत्ती का भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो भ्रष्टाचार को लेकर गल्प गढ़ने की बीजेपी की इन कोशिशों की खिल्ली उड़ाते हुए नजर आते हैं, उन्हें चुनौती देते हुए नजर आते हैं। गौर कीजिए, मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हां, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। लेकिन अगले ही पल वो बोल बैठते हैं कि उन्हें छू नहीं सकते इसलिए गोली मार सकते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार साबित न कर पाने की खीज में राहुल गांधी की जान की सुपारी दी जाएगी? यह बात मजाक की नहीं है, क्योंकि सुरक्षा को मजाक समझने की हमारी आदतों ने हमसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को छीना है। राहुल गांधी इसके बावजूद वही जोखिम ले रहे हैं जो कभी इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने लिया था। सोनिया गांधी ने बायोग्राफी में एक जगह कहा है कि एक समय उन्हें लगने लगा था कि राजीव को मार दिया जाएगा। वो जब भी बाहर जाते थे उन्हें लगता था कि वो उन्हें आखिरी बार देख रही हैं। लिट्टे के खिलाफ अभियान ने दहशतगर्दों को उनके खून का प्यासा बना दिया था, और श्री पेरम्बदूर की रैली में क्या हुआ ये सब जानते हैं। इंदिरा गांधी को तो कई बार लोगों ने सलाह दी थी कि आप सिख सुरक्षा कर्मियों को हटा दीजिए, माहौल को देखते हुए ये ठीक नहीं है आपकी हिफाजत के लिए।
इंदिरा गांधी ने हमेशा इन सलाहों को दरकिनार किया। अपनी जान पर अंदेशे के बावजूद धार्मिक आधार पर वो किसी पर शक करते हुए नजर नहीं आना चाहती थीं। क्या उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि इसका अंत क्या हो सकता है? सीनियर आईएएस वजाहत हबीबुल्ला ने अपने संस्मरण माई ईयर्स विद राजीव गांधी टाइम्स एंड ट्रेजेडी में लिखा है कि 31 अक्टूबर 1984 के सुबह इंदिरा गांधी ने प्रियंका को स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं किया था, वो खुद उन्हें तैयार किया करती थीं। दफ्तर निकलने से पहले उन्होंने राहुल गांधी को कस के अपने सीने से लगा लिया था और गले लगाते हुए कहा था कि अगर मेरी मौत हो जाए तो रोना मत, ये वादा है तुम्हारा। इसके चंद मिनटों के बाद 14 साल के उस लड़के ने अपनी दादी को खून से लथपथ देखा था और इसके केवल 7 साल बाद 21 साल की उम्र में उसने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इंदिरा और राजीव दोनों को अंदाजा था कि क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसे चुना। वो मौतें उनका चयन थी क्योंकि वो पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं थे और जो राहुल कर रहे हैं ये उनका अपना चयन है। इस चयन के तमाम खतरों के अंदेशों के बावजूद मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग थलग पड़ जाने के खौफ से उबरने की कोशिशों ने ही तानाशाह पैदा किए हैं, लेकिन राहुल उनका सामना करने की बात करते हैं। एक लोकतंत्र में जोखिम लेने का यह वो बिंदु है जहां राहुल न केवल भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बल्कि कांग्रेस के अंदर और बाहर भी अलग थलग पड़ जाते हैं। इतने अलग थलग कि आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान करते हुए वो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी से इस्तीफा दे देते हैं, एक ऐसे समय में जब कोई जिला अध्यक्ष की कुर्सी तक नहीं छोड़ना चाहता। वो पूरे देश को कॉरपोरेट का गुलाम बना देने और धार्मिक जातीय आधार पर टुकड़े टुकड़े कर देने की कोशिशों का विरोध करते हैं पूरी ताकत से। बापू के हत्यारे गोडसे और संघ के रिश्तों पर माफी मांगने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं जेल में डाल दो। लेकिन सवाल फिर से वहीं आ जाता है, क्या राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि यह सचेतन विरोध उनकी पीठ में गोलियां उतार देगा, उनकी जान ले लेगा? क्या कॉरपोरेट और सत्ता के गठजोड़ के आगे राहुल गांधी को अपनी जान का अंदेशा सता रहा है? मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। सियासतें अपनी जगह और अपनी जगह उन सियासतों की पैदाइश नफरतें, लेकिन यकीन मानिए अगर राहुल गांधी के साथ कोई अनहोनी घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? चलते चलते आपको बताते चलें कि गर्दने उतार लेने की मुनादी पीटने वाली कंगना रनौत की हिफाजत के लिए फिक्रमंद मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2019 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा कम कर दी थी। आपने देखा होगा जब हाथरस जाते हुए एक कांस्टेबल ने प्रियंका गांधी की गिरेबान पकड़ ली थी और राहुल गांधी को धक्का देकर गिरा दिया था। राहुल गांधी की आशंकाओं के बीच उन तस्वीरों की भयावहता पर फिर से गौर कीजिए। वो तस्वीरें डर पैदा करती हैं क्योंकि गोलियां चेतावनी देकर नहीं चला करती। क्या देश राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसी किसी अनहोनी के लिए तैयार है? आराम से सोचिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। आई बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ दिस कंट्री। आई डू नॉट बिलीव दैट यू कैन इम्पोज स्लेवरी ऑन दिस कंट्री। आई डू नॉट बिलीव दिस कंट्री विल एक्सेप्ट 5 or 6 पीपल ओनिंग इट। I don't believe it.